यहाँ के डॉक्टर सभी अच्छे हैं। अच्छे इसलिए है कि नागालैंड में मिशनरी स्कूल्स अच्छा शिक्षण दे रहे, इसलिए अच्छा है, नहीं तो मोदी साहब के जैसा 71,000 स्कूल बंद कर दिए तो कौन मिलेगा आपको? एक डॉक्टर नहीं बनेगा, एक इंजीनियर नहीं बनेगा, एक स्किल डेवलपमेंट वाला नहीं मिलेगा और कोई एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। दुनिया सब जानती है कि इंग्लिश तो जरूरी है, लेकिन देश में हमारे हिंदी भी बोला जाता है, सामान्य जनता को इसकी भी जरूरत है। तो नागालैंड हमारे देश का बहुत पूर्व और खूबसूरत प्रदेश है, इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये देश अनूठा और जीवन पहाड़ी राज्य है, ये उत्सवों नागा भद्रों की भूमि है। यहाँ के आदिवासी भाइयों ने आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं को बचा रखा है, एकता का तार जोड़े रखा है, अपनी पहचान को बनाए रखा है, हस्तशिल्प को बनाए रखा है। आज़ादी की लड़ाई में रानी गाइदिनलू जैसी महान नायिका की ये भूमि है, जिनको मुक्त करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया था। बीजेपी सरकार को न तो नागालैंड की परंपराओं से मतलब है, न विकास से। मोदी राज्य में पिछले 9 सालों से नफरत और डर का खतरनाक माहौल बनाया जा रहा है, पोलराइजेशन कर देश को बांटने का काम हो रहा है। कहीं जाति वर्ग धर्म के नाम पर तो कहीं भाषा और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बनाने में लगी है, गरीब किसान आदिवासी समुदाय को उनको नहीं दिखता। आज देश के टॉप 5% लोगों के पास 60% दौलत हो गई है, 5% पीपल हैव गॉट 62% वेल्थ, 5% पीपल हैव गॉट 62% वेल्थ, और नीचे के यानी बॉटम पीपल 50% के पास सिर्फ 3%। यू इमेजिन द डिस्पैरिटी हाउ ही इज क्रिएटिंग, रिच बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअरर, अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग, इन्फ्लेशन इज देयर, बट स्टिल मोदी, बिकॉज ही इज नॉट अफेक्टेड, इज अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज अ होम मिनिस्टर, देयरफॉर ही विल नॉट रियलाइज व्हाट पुअर पीपल आर फेसिंग इट। यूपीए सरकार फॉरेस्ट एक्ट लाई, जिसके बाद आजीविका के लिए वन भूमि साधनों के उपयोग का अधिकार हमारे आदिवासी भाइयों को मिला। इस कानून में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के इस्तेमाल और बिक्री का अधिकार उनको मिला। हमारे ट्राइबल भाइयों की जिंदगी बदलने वाला ये कानून है, लेकिन चंद बड़े लोग के लिए बीजेपी जल जंगल और जमीन के दौरान एसटी वर्ग के लोगों के खिलाफ अपराधों में 26% की बढ़ोतरी हो गई है। क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर 2021 से लेकर अब तक 500 हमले हुए हैं जो हमारे